सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऋतिक जैन व्लॉग्स। एंड गाइस, अभी आई नो आप सबके वैकेशन चल रहे रहेंगे, तो वैकेशन टाइम जो होता है मोस्टली सब लोग अपने नाना नानी हाउस या मामा मामी हाउस जाते हैं। या तो अभी अपना भी वही टाइम है भाई। इधर अपन अपने मामा के आए हुए, मामा का घर मेरा वैसे बाजू में ही है गाइस, और मेरे बाकी कजिन्स भी आए हुए। इतना पारिवारिक माहौल है ना, तो हम लोग जा रहे हैं किधर तो बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग व्लॉग करे। चैलेंजेस और आर्केड गेम के व्लॉग्स तो मैं कर ही रहा था, बीच बीच में मैं ऐसे भी व्लॉग्स डालूंगा। ओके। तो भाई आज हम जा रहे किधर तो घूमने, तो हम जाते लोकेशन पे, देन आपको मिलाता हूँ मैं अपने कजिन से भी, एंड हम कहाँ जा रहे वो भी बताता हूँ। तो लेट्स गो। चलो भाई। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं दो गाड़ी में, एक हमारी वो गाड़ी है, एक हमारी ये, एंड हमारे को पैसेंजर है मिशु। तो अभी हम चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम जा रहे थे। तो ये है वो जगह कल्पतरू पार्क सिटी, एंड ये कुछ इसकी एंट्री आप लोग देख सकते हो। तो गाइस बेसिकली एक गार्डन है, बाकी मैं आपको उतर के आगे बता दूं क्या जगह है। तो गाइस अभी हम लोग आए ये वाले गार्डन में, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना है, वहाँ से एंट्री है। तो यस, मैं वेट कर रहा हूँ अपने दो कजिन्स का, वो आते तब हम अंदर जाते, बाकी सब लोग अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है आप लोग देख सकते हो, अंदर उधर टिकट के लिए इतनी भीड़ है, एंड पार्किंग में भी इतनी भीड़ है। तो वेट करते हैं वो लोग आते हैं, फिर मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ क्या जगह ये। तो गाइस जब तक कजिन आ रहे अपन यहाँ पे भक्ति एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो प्यारा भाई यार, एकदम मस्त जगह है, एंड पूरा गार्डन है। तो आज ऑड डे पे इतनी पब्लिक है, सोचो सैटरडे संडे भी नहीं है फिर भी इतने लोग है यहाँ पे। वो पार्किंग का लाइन इधर तक है भाई साहब, इतना बड़ा पार्किंग का लाइन है, बाप रे। तो गाइस अभी हमने इधर से एंट्री मारी और हम यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे थे, हमें लगा ऊपर कुछ तो होगा, हम ऊपर गए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पॉइंट था इधर, सेल्फी पॉइंट रास्ता उधर से, हमें लगा ऊपर से जाएंगे घूम के आएंगे, बट नहीं, घूम के हम वहाँ पे ही आ गए। तो अभी यहाँ से जाएंगे देखते, और उधर बच्चों के लिए गार्डन है तो लोग उधर खेल रहे हैं, वो तो मैं क्या ही बताऊँ। बट यस गाइस, 20 रुपीज़ का टिकट था, अभी हम जाएंगे अंदर, देखते अंदर क्या है। तो गाइस इधर हम बहुत कंफ्यूज है, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है, उधर एक रास्ता जा रहा है, तो जाना किधर है भाई, अच्छी जगह किधर है गतिक? ये अच्छी जगह लग रही है क्या? तो गाइस ये अच्छी जगह लग रही है, हम इधर जा रहे पहले, एंड देखते क्या क्या है भाई। 20 रुपीज़ का टिकट है, 20 रुपीज़ में भाई ये देखो गाइस क्या एंट्री बना रखी है, लोग तो पागल की तरह भर रखे इधर, एटलीस्ट 5,000 से 10,000 लोग आ रखे हैं अभी एट द पॉइंट गाइस इधर। एंड ये सब मोस्टली फ़ोटो के लिए बनाया हुआ है, बट ये फ़ोटो लेने लायक कुछ बचा नहीं है अभी। तो हम लोग वापस घूम के इस साइड जा रहे हैं, एंड देखते भाई कैसी जगह है ये। ओहो उधर एक और सेल्फी पॉइंट है गाइस, पूरा फोटोज के लिए बनाया है, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाने के लिए। अच्छा प्यारा भाई, 20 रुपये में इंस्टाग्राम की रील्स बनाओ इधर आके। तो अभी हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखते क्या है। तो गाइज यहाँ पे हमें फाइनली मैप मिल गया है, एंड मैप में यहाँ पे देखो ये प्ले जोन है बच्चों के लिए, इसमें जिप लाइन वगैरह है, एंड स्पोर्ट्स एरिना। अभी हम लोग है थीम गार्डन में, इधर है हम लोग, यहाँ पे देखो ये सब गार्डन है, मुगल गार्डन, चाइनीज गार्डन, जापानीज गार्डन। ये कौन सा गार्डन है? गार्डन है कोई तो, जापानीज गार्डन है शायद, मुगल गार्डन है वो, देखो उधर लिखा हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग गार्डन्स ये कर रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे लेक साइड भी है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, ये पूरा इसका मैप है। तो गाइज अभी जो हम फर्स्ट प्लेस पे, वो है मुगल गार्डन, आप लोग देख सकते हैं मुगल थीम पे बना हुआ है पूरा का पूरा, एंड यहाँ पे हर एक थीम के गार्डन है। तो फर्स्ट हम मुगल गार्डन में आए। क्या रे भीख मंग गया, क्या दिख रहा है? तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा था हम लोग थे उधर, वो मुगल गार्डन था, उसके बाजू में एक और गार्डन था, आई थिंक वो भी मुगल ही था पूरा गार्डन, एंड उस साइड चाइनीज या जापानीज गार्डन था, वो हम नहीं जा पाए। बट अभी हम लोग आए लेक सिटी में, लेक जोन में, एंड पीछे आप लोग एक ब्रिज देखोगे, एंड यहाँ ये साइड देखो भाई क्या बन रखा है ये देखो, एंड पब्लिक देख सकते हो भरा हुआ है, एंड कुछ यूनिक चीज़ बनाया है, 20 रुपीज़ में आपको एंट्री मिल जाएगी, एंड उधर भी बहुत कुछ है। तो अभी हम चलते नीचे, एंड नीचे से देखते उधर और भी आगे बहुत बड़ा गार्डन बना है, लोग नीचे जाके देखते नीचे क्या। Think that I lost my mind, hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting through the sleepy nights, and still man I'm getting screwed, having to pay my fucking dues. I'll go with. So guys, अभी हम ऊपर से आए नीचे, and नीचे कुछ इस तरह है, and यहाँ पे ये ब्रिज देखो भाई क्या ब्रिज बना है, फुल लगता नहीं है कुछ आउट ऑफ में भी ऐसा ब्रिज अपने को देखने मिलेगा, कितना क्रेजी ब्रिज बना है। बट मजे तो यार इन बिल्डिंग वालों के लिए भाई, इनको तो फ्री एक्सेस है, कितना नज़दीक बिल्डिंग बन रहा है इधर इतना सारा, उनके लिए तो बहुत प्यारी चीज़ है। तो अभी हम जाएंगे ये ब्रिज क्रॉस करके उधर, एंड प्ले जोन में जाते हैं, क्योंकि प्ले जोन में यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो जाके देखते भाई क्या चीज़ है उधर। तो गाइज वैसे तो हम प्ले जोन जा रहे थे, बट मैंने देखा भाई इधर इतनी भीड़ है, तो इधर क्या है ऐसा, इधर इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है, क्या लग रहा है?
वाटरफॉल फोटो के लिए। तो गाइस गार्डन में ही इन्होंने वाटरफॉल डाल दिया और उधर बहुत सी पब्लिक फोटो खिंचा रही है। लिटरली आप लोग पब्लिक देखो यार, इधर कितना भीड़ भरा हुआ है और यहाँ पे लोग बैठे मस्त चिल कर रहे। प्यारी जगह भाई, 20 रुपीज में क्या बोलते हैं, मस्त है ये गाइस। अगर कोई फॉरेन कंट्री होती तो इधर ऐसा गार्डन वगैरह लेता ना, 1000 रुपया 2000 रुपया एंट्री होती। बट यस, इंडिया में 20 रुपीज में इतना बड़ा गार्डन भाई, क्रेजी मूवमेंट और बहुत ही प्यारा बनाया यार, हेड्स ऑफ है। कुछ ऐसी नई जगह देखने को मिली हमें, और मेन तो भाई ये ब्रिज जो इसको देख रहा है, क्रेजी मजा आया। तो भाई इधर तो मैं नहीं लग रहा मैं आगे जा पाऊंगा, इतनी पब्लिक है, कोई पहचान लिया तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो भाई यहाँ से आप लोग देख लो, ये इधर वाटरफॉल चल रहा है। अब अपन चलते प्ले जोन में क्या, क्योंकि भाई इधर गाइस मैं तो चलो फिलहाल चश्मा वश्मा पहन रखा है, इतना कोई समझ रहा नहीं है, बट अगर पब्लिक ने पता चल गया तो भाई बैंड बच जाएगी मेरी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा उधर से रास्ता है क्या, चलो देखते उधर जा सकते हैं क्या, लेट्स सी। I don't know, I don't care, I'm pulling out my fucking hair. I just wanna create and share, help the world become aware that you can do anything that you want to. You can be everything. So guys, अभी हम आए kids play zone में. Play zone में यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना हुआ है play zone के लिए. यहाँ पे एक zip line है. I think इधर से दिखेगी नहीं आवाज़. Guys, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये zip line बनी है अभी. I think काम चल रहा है इसका, इसलिए अभी तक चालू नहीं हुई है। ये जिपलाइन बनी है, बहुत छोटी सी है फिलहाल तो। एंड यहाँ पे म्यूजिक के लिए है, प्यारी सी ट्यून चल रही है भाई, बच्चे बजा रहे मस्त। तो गाइस म्यूजिक के लिए एंड आगे और है प्ले जोन एरिया, तो देखते कितना बड़ा है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये क्या चीज़ है पता नहीं, तो बच्चों का क्रिकेट। अच्छा इधर फाउंटेन है, फाउंटेन भी बंद हो गया गाइस, मेंटेनेंस आई थिंक प्रॉपर हो नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अभी इतना बड़ा गार्डन है यार, क्या क्या देखेंगे लोग। तो भाई ये तो वही है पहले जैसा अपना गार्डन बच्चों का जो रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झूले खा रहे बच्चे, मतलब बच्चों के लिए प्यारी जगह यार, अपने लिए तो क्या ही मतलब नहीं है, अगर अपने बचपन में होती तो बात अलग है। फिलहाल तो यहाँ पे वो देखो, वहाँ पे भी कुछ गेम्स बने हुए, एंड ये भी पहाड़ चढ़ने वाला, कुछ पहाड़ चढ़ सकते लोग। तो ये पूरा प्ले जोन एरिया है। तो गाइस वहाँ पे देख सकते हो ध्रुवी गई हुई है ऊपर, वो ही एरी ध्रुवी, ये देखो भाई ये ऐसे ऐसे गेम है, स्लाइड बीट कर सकते हो तुम, क्रेजी यार मज़ेदार चीज़ है। क्यों गतिक मस्त, तेरे को मिला क्या तेरे लिए कुछ नहीं, मैं और गतिक हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बस आके बैठ सकते हैं, बाकी तो बच्चों के लिए मज़ेदार है। तो गाइस म्यूजिक के लिए इधर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि ये आप लोग को लग रही रहेगी सीट्स है, पता नहीं अभी सीट्स है क्या ढोल है, लोग तो भाई ढोल ही बजा रहे थे ऐसे, अब मुझे भी नहीं पता ये सीट्स है कि ढोल है, पता नहीं कुछ तो है, बट हाँ ये म्यूजिक के लिए, ये देखो भाई कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें। और ये क्या है, क्या चीज़ है यार ये, क्या भाई कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें बनी हुई है इधर हॉलो, हम कुछ इधर लिखा हुआ है हैंड पाइप्स फॉर चिल्ड्रन, हैंड पाइप्स क्या होते हैं, स्टिक से ऐसे करना रहेगा यार, तो कुछ तो है। तो गाइस हम भी अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं क्या चीज़ है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बनी हुई है इधर। एंड वो क्या चल रहा है, लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस एडवेंचर अंधेरा, अपन चलते हैं, अपने एक दो गार्डन बचे हुए तो वो गार्डन कवर करेंगे एंड बाहर चलते हैं। अरे सब्सक्राइबर बढ़ाने ना तो इधर आ सकते हो, अरे वाह गुड आइडिया, दिन के 10-20 हज़ार लोग सब्सक्राइब करवा सकते हो, इजी भाई इजी। टिकट के साथ पीछे नाम दे देने का, हाँ टिकट के साथ पीछे नाम दे देने का। अरे नहीं नहीं मैं इधर आता हूँ बैनर लेके खड़ा हो जाता हूँ ना भाई, डेली के इतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे पूछो मत। तो गाइस जैसे जैसे अभी रात हो रही है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे लाइट लग गई है, ये देखो भाई एग्जिट के लिए, ये एग्जिट है भाई, ये एग्जिट नहीं है तो क्या है भाई, ये एग्जिट नहीं है, अपने को तो एग्जिट लगा ये। अच्छा ये ऐसे ही फोटो के लिए है ब्रिज, भाई साहब क्रेजी। गाइस मेरा पोपट कर दिया यार बीच में ब्लॉक पे, पोपट हो गया, राइट ही है ना, इधर से है ना। हाँ तो भाई मैं तो बोला ही भाई यही एग्जिट है। तो गाइस यहाँ से अपन जाएंगे अंदर से। तो गाइस हमने ये गार्डन मिस कर दिया था, मैं कब से इसको ढूंढ रहा था, जैपनीज गार्डन। तो ये है वो जैपनीज गार्डन, आप लोग देख सकते हो, जैपनीज का गेट किधर है, चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस जैपनीज गार्डन कुछ इस तरह के होते हैं,
लिटरली ये देखो जापान का ऐसा कुछ बना रखा है और वो रहा जापानीज गार्डन का गेट, क्रेजी यार। चाइनीज किधर है? चल चल चल, ढूंढना पड़ेगा यार, बढ़िया लगा ये तो। तो गाइस यहाँ पे हम फोटो भी ले सकते हैं, देखो अभी मेरा फोटो ले गई थी, वीडियो ही ले मतलब। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रन लो। फ्री प्रमोशन नहीं कर सकता यार, मेरे को पैसे नहीं दिए, सॉरी। तो कुछ तो यूट्यूब पे है, आप लोग यहाँ पे आके स्कैन करके। अच्छा ये पूरा इसका ये बना हुआ है क्या? ओहो गाइस, पेड़ के बारे में वीडियो, क्रेजी यार, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस जापान से हम जा रहे हैं सीधा चाइना है, लेट्स गो। चाइनीज गार्डन में आ गए। ओह माय गॉड, चाइना में इतने सारे इंडियन है गाइस, इंडियन भी आई थिंक। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज गार्डन एंड ऑलमोस्ट जापान जैसे ही है चाइना भी। मेरे को लगा नीचे मोमोज बहुत थोड़ी है यार, यारे यार ये एक्चुअली ये पैर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको वो एक्यूपंचर नहीं, एक्यूपंचर प्रेशर प्रेशर एक्यूप्रेशर पंचर नहीं गाइस, तो पंचर लगाना है तो आप लोग कर सकते हो। बाकी पानी तो इंडिया का ही लग रहा है ये मेरे को, बाकी चाइना का नहीं लग रहा है। ओ भाई मच्छर भी है, चाइना में बहुत सारे मच्छर है। और गाइस ऊपर चाइनीज सीटिंग बना रखी है। तो गाइस इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक गार्डन बना रखे हैं, मुगल, चाइनीज, जैपनीज और सब जगह सीटिंग बना रखी है, तो बहुत ही प्यारा था। तो गाइस बिहाइंड द सीन मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी क्या क्या देख लिया। हमने जिपलाइन वगैरह देख लिया, ये सब प्ले जोन देख लिया, चीज प्लाजा हमने नहीं देखा, चेस प्लाजा वगैरह बनता रहेगा, रेस्ट रूम वगैरह हमने सब देख लिया। एंड रेस्टोरेंट्स भी अभी तक बने नहीं, आई थिंक बन गए थे, रेस्टोरेंट्स चालू हुए थे तो रेस्टोरेंट्स तो एक भी नहीं देखा। स्पोर्ट्स अरीना में गाइस ये सब तो आपको स्पोर्ट्स के कोर्ट मिल जाएंगे, ये इधर ही है, आपको पीछे की साइड उधर मिल जाएंगे सारे कोर्ट्स है। बाकी गार्डन में हमने गाइस मुगल गार्डन देखा, चाइनीज देखा, जैपनीज देखा, ये दोनों भी देखे। मोरक्कन गार्डन नहीं देखा, मोरक्कन आई थिंक वो ब्लू वाला है, वो मोरक्कन ही रहेगा जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा। ये मुगल है और वो मोरक्कन हो सकते हैं। और बाकी फर्न रीड ये सब तो हमने नहीं देखा, बाकी एक्स ब्रिज देखा, सेंट्रल लेक देखा, आइलैंड देखा। तो गाइस इतने में से आधी चीजें देखी हमने, एक दिन में इतना ही कम्प्लीट कर सकते हैं। तो यस यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।